सो हेलो SBWP गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार वो पर्टिकुलर वीडियो आ चुका है, मतलब कि मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक जो कि हमारे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज और एट द सेम वे स्पीच राइटिंग के होते हैं, जिससे कि आप एक्सेल कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स, पहले ही इस वीडियो का डिस्क्लेमर दे दूं, यही पूरे के पूरे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 तारीख के पेपर में दिखेंगे ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है, बट रिलेटेड टॉपिक्स इसमें दिख सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आपके भैया घर पे पेपर नहीं बनाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन का। बहुत सारे जो पिछले साल के जो 5 साल के पेपर्स है, एट द सेम वे बहुत सारे सैंपल पेपर्स है, उनको डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ये पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुनना क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं, और ध्यान से सुनना कि ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय एवरग्रीन टॉपिक। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एवरग्रीन टॉपिक्स मतलब कि स्टूडेंट्स, बोर्ड्स वालों के ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं ये सबसे फेवरेट होते हैं। अभी 3 टॉपिक्स हमेशा दिमाग में बैठा के रखना। एक तो होगा भाई हमारा नेचर, नहीं तो एनवायरमेंट। दूसरा होगा स्टूडेंट्स, इंग्लिश में होते हैं फेस्टिवल्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जैसे होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो होली के फेस्टिवल, उसके बाद अभी रिसेंटली साइंस डे हुआ था, मतलब साइंस एग्जीबिशन वगैरह स्कूलों में चल रहा था, तो साइंस एग्जीबिशन पे भी विच इज आपको स्पीच राइटिंग आ सकता है। तो जो करंट अफेयर्स होते हैं और एट द सेम वे जो हमारे पर्टिकुलर फेस्टिवल जो आने वाले होते हैं या फिर हो गए होते हैं, उन पे पर्टिकुलरली जो होता है विच इज इंग्लिश मीडियम के या फिर सेमी मीडियम के या फिर मराठी मीडियम के, जो भी इंग्लिश का पेपर होता है, बोर्ड्स वालों के वो टॉपिक्स फेवरेट होते हैं। 3 टॉपिक्स ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला, एक हो गया नेचर। अभी नेचर का जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें पोल्यूशन भी आएगा, ठीक है, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को क्यों सेव करना है, नेचर ही अपना टीचर है, ये पर्टिकुलर चीज है। नेशन पे आएगा, नेशन मतलब कि अपने इंडिया पे आएगा, कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, जैसे आपको मराठी के पेपर में आया था मैंने बोला था नेशन पे आएगा, तो भारत का नागरिक वगैरह। फिर अपना नेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को क्यों ये कर रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन। अभी मैं कुछ टॉपिक्स दे रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं स्पीच का टॉपिक दूं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, अगर मैं स्पीच का टॉपिक दूं तो वो होगा सबसे पहले एनवायरमेंट डे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में इंपॉर्टेंस क्या है फेस्टिवल्स का, फिट इंडिया हैप्पी इंडिया, अगर फिट इंडिया रहेगा तो हैप्पी इंडिया रहेगा, टूडेज चिल्ड्रन फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि कल के मतलब 7 तारीख के पेपर में आपसे रिलेटेड, मतलब यूथ से रिलेटेड, यंग जनरेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन जनरेशन से रिलेटेड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। फिर उसके बाद साइंस डे, जैसे मैंने आपको बोला, तो ये वाले टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं स्पीच के। सेव नेचर, एजुकेशन, एयर पोल्यूशन, गिविंग एंड रिसीविंग, मॉडर्न टीनेजर्स, न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो मॉडर्न टीनेजर्स है उनके क्या क्या न्यू प्रॉब्लम्स है, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, मतलब अभी खुश रहना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट एनकरेजेस क्लासरूम टू गो डिजिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर इंटरनेट या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला होली। देखो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है अभी फेस्टिवल जो है वो होली ही एकदम पास में है, तो होली पे आपको एक तो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज आ जाएंगे, एक्सपेंशन ऑफ थीम्स आ जाएंगे, कलर से रिलेटेड, होली से रिलेटेड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या फिर आपको होली पे विच इज प्रिपेयर अ स्पीच वगैरह आ सकता है। नेचर, नेचर पे जो कर्स टू प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक टू कर्स वगैरह वगैरह, वो वाली चीज है। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज बता रहा हूं, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, चैरिटी बिगिंस एट द होम, बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इंडस्ट्री इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं, 3 चीजें ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, नेचर, एनवायरमेंट जिसको हम बोलते हैं पोल्यूशन वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें, ट्रीज, ठीक है, नेचर में ट्रीज वगैरह भी आते हैं, आप सभी को वो कॉमन सेंस लगाना है। उसके बाद हमारे फेस्टिवल्स, हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे डेज वगैरह हो गए, साइंस डे हो गया, होली हो गया, और उसके बाद हमारे नेशन या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये 3-4 चीजों पे जो भी होता है विच इज आपके 7 तारीख के पेपर में पूछा जाएगा। अभी सभी से एक ही निवेदन है कि आप क्या करना स्टूडेंट्स, इनके रिलेटेड मतलब एक आधा लाइन्स लर्न कर लेना, ठीक है, स्लोगन्स लर्न कर लेना, पोयम्स लर्न कर लेना, जिस प्रकार से मैंने मराठी में बोले थे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया था, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, 2,500 के ऊपर कमेंट्स है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव एंड सपोर्ट। और स्टूडेंट्स, अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो भाई 1,95,000 सब्सक्राइबर्स आज हिट कर देना स्टूडेंट्स,
ठीक है, अभी क्या बस 2 या 3 ही हजार सब्सक्राइबर्स बाकी है, शाम तक कर देना फटाफट से, और शाम को लाइव स्ट्रीम भी है, तो मिलते हैं। और फटाफट से चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, 2 लाख सब्सक्राइबर्स के अपन बहुत ज्यादा नजदीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और इस वीडियो पे हम टारगेट रख रहे हैं 5000 लाइक्स का, तो 5000 लाइक्स कर देना है। मिलते हैं।